Hello everyone, this is Anirudh, Walia, and once again welcome to my YouTube channel. So, देखो chemistry for JEE NEET इस video में होने क्या वाला है? ये video आप लोगों के लिए बहुत खास video है. जैसा कि I have already mentioned on the slide, the motivation plus guidance. देखो chemistry के लिए मैं थोड़ी कुछ important चीजें बताने वाला हूँ इस video में, चाहे वो JEE का aspirant हो या NEET aspirant हो. और motivation की जो टाइम टू टाइम बच्चों को देते रहना चाहिए ताकि उनके अंदर एक उत्साह, उनके अंदर एक उमंग बनी रहे अपने लक्ष्य तक पहुंचने की, अपने टारगेट तक पहुंचने की, तो वो इसमें आपको मिलने वाली है. और इम्पोर्टेंट गाइडेंस मिलने वाली है, कैसे आप अपनी जो भी वीक चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं, कैसे उनको पढ़ सकते हैं और अपने जो केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको कैसे समझ सकते हैं. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं. ठीक है प्यारे बच्चों, फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करता हूं. और एक बहुत प्यारा कोट मुझे मिला था जो मैं आपको भी शो करने जा रहा हूं, तो प्लीज इसे पढ़िए एक बार खुद से. बिटवीन यस्टरडे मिस्टेक्स एंड टुमारोज होप देयर इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी कॉल्ड टुडे. लिव इट, लव इट, द डे इज योर्स. देखो होता क्या है ना, अपन करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, कल जो हो गया उसके लिए टेंशन में रहते हैं, यार मैंने ये कर दिया, मैंने क्लास छोड़ दी, मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, ये हो गया, और अगली बार ये कर दूंगा, अगली बार वो कर दूंगा. देखो अपन बीते हुए कल की टेंशन रखते हैं, आने वाले कल की टेंशन रखते हैं, क्या टेस्ट खराब हो गया, ये हो गया. आप अपने ना जो पास्ट हो गया है, जो समय बीत गया है उसको नहीं बदल सकते, आने वाला फ्यूचर आप देख नहीं सकते. तो व्हाट यू कैन डू इज अपने प्रेजेंट मोमेंट में, टुडे के मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में अपनी चीजों को, जो आपका टाइम है उसको सही यूटिलाइज कर सकते हैं. उसमें जो आप चीजें सीखेंगे, जितना टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में आपकी गलतियां उतनी ही कम होंगी. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने एट प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, टाइम को कम से कम वेस्ट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट करना चाहिए. फिर जो आपकी जो मिस्टेक्स और जो होप है ना, वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएंगी, क्योंकि आप होप रखोगे ही नहीं. और ना होप, देखो क्या होता है ना, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस, मैं तो दोनों ही चीज को थोड़ा बेकार मानता हूँ. मैं कहता हूँ कि यार कुछ मत सोचो यार, जो चल रहा है, जो टाइम चल रहा है उसमें बस अपना बेस्ट देते चले जाओ. एवरीथिंग विल बी योर्स, एवरीथिंग विल बी योर्स. अपने दिन को ऐसा बनाओ, यार आज मैंने इतने घंटे काम किया है तो वाह, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैंने आज कुछ किया है, मैंने डे को सही यूटिलाइज किया है. उस टाइप की मोटिवेशन आपके अंदर रहनी चाहिए. और यदि आपको लगे यार आज तो पूरा दिन ऐसे निकल गया, दोस्त के साथ घूमने चला गया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो फिर भैया कुछ नहीं हो सकता, दिन पूरा खराब होने वाला है. ठीक है, तो दिन को बहुत अच्छा बनाना है और डेली का काम डेली करना है. देखो मैं अपनी हर वीडियो में एक ही चीज बोलता हूँ, डेली का काम डेली करो, ताकि काम पेंडिंग ना रह जाए. पेंडिंग रह भी जाता है थोड़ा बहुत काम, तो उसको आने वाले कल पे जल्दी जल्दी उसे फिनिश करें. ठीक है, अब चाहे मैथमेटिक्स की बात हो, चाहे बायो वाले बच्चों की बात हो, तो डेली आपको थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए. उस बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहती हैं अनअकैडमी पे, आप मेरी वीडियोस देखते ही रहते होंगे, तो फिर भी चलो मैं बता देता हूँ. इन सब के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ. जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग देख लिया होगा, 5-स्टार रेटेड कोर्स है. यूनिट 3, दिस इज यूनिट 4 ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री. अगेन दिस इज यूनिट 3 ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री. अगेन दिस इज यूनिट 1, यूनिट 2. इट मीन्स सीक्वेंस वाइज चैप्टर्स आपको मिल गए होंगे. इन सब के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, मतलब एक एक चीज को आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, आप उनको देखें. ठीक है, फ्री लेक्चर्स हैं, एक्सेस करें और मस्ती करें. ठीक है, ये सारी बातें हो गई. अब अपने मेन काम पे आते हैं. देखो गाइडेंस आपको मिल गई है, आपको ये सब वीडियोस देखते रहेंगे तो देखो जितना पढ़ाया जा रहा है उतना सफिशिएंट है. कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर बुक्स में ये है वो है, भैया जो मैंने बता दिया बस कर लो और बस प्रॉब्लम्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो. कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सारे क्लियर करवा दूंगा. द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, चीजों से सीखें, अपनी मिस्टेक से सीखें. प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा आप कितने पानी में हैं. पढ़ लो, दिन रात पढ़ते रहो, कुछ पता नहीं लगेगा जब तक आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे. तो इन वीडियोस को देखें, प्रैक्टिस करें, सो दैट यू कैन बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, यू कैन परफॉर्म वेल योर अपकमिंग एग्जाम्स. हर तरफ से आपको बहुत फायदा मिलेगा. ठीक है, और छोटी छोटी बातें, देखो सेशन स्टार्ट हो गया है, जुलाई की स्टार्ट हो चुकी है, कुछ टाइम बाद दिवाली आ जाएगी, 3-4 महीने बाद. दिवाली के बाद चाहे आप देखो क्लास 11th के बच्चे सुन रहे हो, क्लास 12th के बच्चे सुन रहे हो, और चाहे रिपीटर वाले बच्चे हों,
तो सबको एक चीज पे ध्यान रखना है कि दिवाली के बाद बहुत जल्दी से अपना समय चला जाता है। दिवाली के जस्ट बाद अपना नवंबर में दिवाली होती है, दिसंबर आ गया, जनवरी जैसे स्टार्ट होता है मतलब नया साल शुरू होता है तो आपकी टेंशनें और बढ़ जाती हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हो सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, तो वो लास्ट टाइम के लिए पेंडिंग ना छोड़ें। अभी भी आपको कोई चैप्टर वीक लगता है, कोई कंसेप्ट वीक लगता है तो जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल हेल्प यू। तो आपको कमेंट करके बता देना है, वो चैप्टर आपको बता दिया जाएगा, उसके इंपॉर्टेंट चीजें बता दी जाएंगी। लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ना कि सर मेरा तो ये वीक है तो मैं आपसे लास्ट में पढ़ लूंगा, भाई लास्ट वास्ट कुछ नहीं होता, और समय जो चल रहा है उसमें करते रहो मस्ती से काम, पता नहीं आगे क्या हो क्या ना हो, ठीक है। तो अपने काम को पेंडिंग भी नहीं रखना होता। देखो मेरे ऊपर भी पेंडिंग मत छोड़ो कि सर लास्ट में पढ़ा देंगे वो कर देंगे, मैं सर को बोल दूंगा सर जनवरी में पढ़ा देना फरवरी में पढ़ा देना। देखो टाइम का आपको नहीं पता, उस समय क्या पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम आ जाए या आपका बर्डन बहुत ज्यादा हो जाए, फिजिक्स में आपको पता नहीं क्या पढ़ना हो, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना हो, बायो में क्या पढ़ना हो, तो आने वाले कल पे कोई काम नहीं छोड़ना है। अभी जो कर रहे हो, देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं क्लास 12th में हूँ, क्लास 11th की चीजों को कैसे मैनेज करना है, तो देखो आप क्लास 12th पे बराबर फोकस रखें क्योंकि आपके बोर्ड की क्लास है, और हर बार मैं बोलता ही हूँ ये बात, बोर्ड की क्लास है, कंपटीशन का एग्जाम भी देना है, तो क्लास 11th के टॉपिक्स साइड बाय साइड रिवाइज करते रहें। आपके पास नहीं है टाइम बुक्स को पढ़ने का तो मेरी वीडियोस को देखें, वीडियोस में कंसेप्ट बहुत डिटेल में बताया जाता है, आपको सफिशियंट है, फिर बुक्स वगैरह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उन सब वीडियोस को देख के आप सारे कंसेप्ट सीख लें और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। यदि आपके पास कोई बुक नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, दो बार लगाएं ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे बिल्ड होते चले जाएं, कोई डाउट आए पूछ लिया करो, ठीक है। तो साइड बाय साइड आपको क्लास 11th का पोर्शन भी रिवाइज करना पड़ेगा, और आप क्लास 11th में हैं तो भैया वेल एंड गुड, तो आपके लिए कोई टेंशन ही नहीं है, आपको दिल लगा के जो काम करवाया जा रहा है वो करते रहो, क्लास 12th की टेंशन मत करो यार उसमें क्या होगा उसमें क्या होगा। क्लास 11th यदि आपकी स्ट्रांग हो गई तो नो डाउट यार, नो डाउट, इतने साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि क्लास 12th तो हर बच्चे की स्ट्रांग होती ही होती है, जबरदस्ती उसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि बोर्ड की क्लास है। तो आप अपनी क्लास 11th में हो अभी आप, तो बराबर फोकस रखें, हर चीज को स्ट्रांग करें ताकि क्लास 12th में आपकी दिक्कतें कम हो और आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो बहुत ज्यादा हो जाए, सिलेक्शन का रेशियो आपका बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन ना होने की मेन वजह ये होती है कि क्लास 11th वीक रह जाती है, वो आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो क्लास 11th पे बराबर फोकस रखना है। जो बच्चे क्लास 12th में है तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा, जब भी टाइम मिले अपने क्लास 11th के वीक वीक चैप्टर्स को फटाफट स्ट्रॉन्ग कर लें, मेरे को बता दें कौन कौन से वीक चैप्टर्स हैं, और रिपीटर वाले बैच हैं तो उनके लिए एडवांटेज है कि आपको बोर्ड्स का नहीं पढ़ना, आपको खाली कंपटीशन का करना है और वो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ज्यादा से ज्यादा। ये सारी बातें रही, वीडियोस को आप देख सकते हैं और गाइडेंस आपको मिल गई कैसे मैं चैप्टर्स आपको कवर करवा दूंगा, बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, मोटिवेशन आपको मिल ही गई होगी कि भैया टाइम टू टाइम वो भी बहुत जरूरी रहती है। तो चार लाइनों से आज इस सेशन को एंड करूंगा, चार लाइनें सुना देते हैं अब आपको, ध्यान से सुनना। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो वही आप लोगों के साथ है कि स्ट्रगल वाला फेज है, मेहनत जितनी करोगे कहीं ना कहीं रंग जरूर लाएगी। तो बस दिल से मैं आप लोगों के लिए विश करता हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, मेहनत करते रहेंगे, कोई भी डाउट आएगा पूछते रहेंगे। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों इस वीडियो के मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।